सिंह आगर, डायरेक्टर अधीन हॉस्पिटल डोईवाला देहरादून। इस तरह का कैंप लगाया गया, कहाँ पर लगाया गया, कितने दिवसीय कैंप? ये 2 से 3 दिवसीय कैंप है। ये बाबा जी के सानिध्य में लगाया गया है। हम बाबा जी के साथ साथ जहाँ जहाँ बाबा जी का हो रहता है, हम बाबा जी के साथ साथ कैंप लगाए हैं। हमने जो है ऊर्जा संचय अभी समागम था पिछले मंथ, हमने वहाँ भी कैंप लगाया था 3 दिवसीय। उससे पहले जो बाबा जी ने जो 151 कन्याओं की शादी की थी, वहाँ पे भी हमने कैंप जो है 5 दिवसीय कैंप वहाँ पे भी लगाया हुआ था। और जहाँ जहाँ बाबा जी का रहेगा वहाँ वहाँ साथ साथ बाबा जी के कैंप, निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप लगाते हैं। इसमें हमारे हमारी जो है 11 से 12 डॉक्टर्स की टीम है, जिसमें जो है फिजिशियन भी हैं, सर्जन भी हैं, बच्चों के डॉक्टर भी हैं, महिलाओं से संबंधित डॉक्टर भी हैं और हड्डी रोग विशेषज्ञ भी हैं। तो सारी टीम हमारे साथ है। हम लगभग 2300 व्यवस्था पूरी है हमारे पास में, एम्बुलेंस की व्यवस्था है और ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था है। उसके बाद में जो भी है, यदि इमरजेंसी का ट्रीटमेंट है तो वो भी देंगे, और यदि हायर सेंटर भेजने की व्यवस्था तो वो भी हमारे पास में व्यवस्था है। अभी तक लगभग कितने मरीजों को आपकी टीम देख चुकी है, कब तक लगा रहेगा? अभी तक जो है 500 से 700 पेशेंट अभी देख चुके हैं, और कैंप जो है पूरी रात लगा रहे जब तक बाबा जी की कथा समाप्त होगी, और उसके बाद में कल से फिर से जो है कैंप चालू हो जाएगा। क्या कहेंगे आपके बद्रीनाथ में, क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा है बद्रीनाथ धाम वालों के लिए, जो बाहर से श्रद्धालु आए हैं, पूरे भारत से या विदेश से भी आए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। और बाबा जी का तो सब पे आशीर्वाद है, सब पे आशीर्वाद बना रहे, बस यही मेरी एक।